नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक एनालिसिस वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। एक एनालिसिस के बेस पे ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें वीडियो में जो है हम देखेंगे कि 2016 से लेके, ठीक है, 2022 तक टोटल कितने GNM, ठीक है, टोटल कितने GNM स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, ठीक है, बिहार से, ठीक है, जो बिहार के सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से पास आउट होने वाले जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उसका जो है हम एक एनालिसिस बनाया है हमने एक सोर्स से, जो कि DCEC के वेबसाइट से लिया है, और आपका जो BNRC में जो कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है हमने वहाँ से कुछ डाटा लिया है, ठीक है। तो हम जो है देखेंगे कि जो 2016 से 2019 बैच, ठीक है, 2017 से 2020 बैच और 2018 से 2021 बैच और 2019 से 2022 बैच, ठीक है, ये चार बैच तो जो है इम्पोर्टेंट बैच है, और बाकी 2020 और 2023, ठीक है, 2020 2023 और 21 से 24, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन तो 25 में है, हम उसी के इर्द गिर्द बात करेंगे, ठीक है, कौन कितना और कहाँ, ठीक है, किस तरह से बिहार में जो है प्राइवेट कॉलेज खुलने शुरू हुए, कब से खुलने शुरू हुए, कितने कॉलेज थे पहले 2016 की बात करें, क्योंकि आपको पता है 2015 से 18 बैच ऑलमोस्ट जो है जॉब में लग चुके हैं, ठीक है, जो लास्ट वैकेंसी आया था 2019 में, जो BTSC से आया था, ठीक है, जो BTSC से आया था 9200 समथिंग कुछ था, 30 शायद, ठीक है, जिसमें से आपको पता है मात्र 5000 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए थे, बाकी का जो सीट है वो सब खाली रह गया था, ठीक है। तो उस समय का सिनेरियो कुछ और था, और अभी का जो बिहार में नर्सिंग को लेके एक जागरूकता जो आई है, तो अभी का सीन जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो 2015, ठीक है, और से लेके 2018 तक का ऑलमोस्ट जो है क्लियर हो चुका है, हो सकता है कुछ जो बैड लक होगा उनका वो बाकी होगा, बाकी ऑलमोस्ट जो है हो गया है, उनका जॉब हो चुका है। तो 2016 से लेके, ठीक है, आगे जो अभी तक जो बैच पास आउट होंगे 2025 से पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको हम फैक्ट के साथ जो है दिखाएंगे कि कब किस सत्र में कितनी सीटें थी और अभी कितना स्टूडेंट जो है पास आउट हो चुके हैं या 2025 तक हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो अदर स्टेट से करके आए हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट से करके जो बिहार के रेसिडेंस वाले स्टूडेंट हैं, जो बिहार डोमिसाइल से हैं और बाहर जो करके आए हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, MP से हो गया, कर्नाटका से हो गया, कुछ लड़के झारखंड से कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो है आपके UP से हैं, कुछ पंजाब से हैं, तो ये सारा जो है आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम इसका रिकॉर्ड तो नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन एक लमसम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर जो वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे भी इस तरह का एनालिसिस वीडियो स्वास्थ्य विभाग को लेके, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके आप लोग को पहुंचाते रहें, ठीक है। तो आप देखिएगा, एक एक फिगर को हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आप देखिएगा, यहाँ हम पहले फिगर्स दिखाते हैं आपको, ठीक है, आप एक बार गौर कीजिएगा नंबर्स पे, ठीक है, बाकी जो हमने लास्ट में बनाया है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो है हमने DCEC से लिया है 2018 का, ठीक है, ये 2018 का हो गया आपका, यह हम शुरू से ही चलते हैं 2016 से, ठीक है, 2016 से चलते हैं। 2016 का डाटा जो है हमें नहीं मिला था, ठीक है, तो हमने 2017 और 18 जो कि BNRC के साइट से हमने डाउनलोड किया था। आप यहाँ पे देखिएगा जो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट GNM मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये GNM स्कूल है, जिसमें से आप देख सकते हैं गया है, दरभंगा है, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और पटना है, IGMS और सासाराम है, जहानाबाद है, शेखपुरा है, सहरसा है, बांका है।
तो ये गवर्नमेंट GNM स्कूल है जिसमें टोटल सीट जो है 17-18 में 726 है, ठीक है, 17 में, तो हम मान के चलें 16 में भी 726, हमने इसी तरह से 2016 का एक डाटा निकाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी 17 का है, 17-18 का, ठीक है। और ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट GNM इंस्टीट्यूट है जिसमें से देख लीजिए किशनगंज, रोहतास और जो भी है 15 कॉलेज है, ठीक है, 17-18 में, तो जिसमें से 600 सीट है टोटल, ठीक है। ये 17-18 का डाटा, तो हम 2016 का लमसम इतना ही रखे हैं, 2016 का भी हम इतना ही सीट रखें, 600 और 726 समथिंग, ठीक है, जिसमें से IGMS भी है, ठीक है। आगे 2017 हो गया, अब 2018 का हम आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका 2018 का, ठीक है, ये 2018 के आधार पे स्टाफ नर्स ग्रेड ए नर्स के लिए देखिए, पटना ये जितने भी कॉलेज हैं आप देख रहे हैं, जिसमें से 668 668 सीट टोटल है, ये है आपका प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, ये आपका प्राइवेट, सॉरी ये आपका सरकारी कॉलेज है जिसमें से 668 सीट है, ठीक है, 18 में। उसके बाद हम 18 का आपको दिखाते हैं प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, ये 19 का आ गया आपका, तो जो है 18 का जो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट हमको लगता है जो सीटें हैं वो लगभग 18 में अब मान के चलिए 1000 समथिंग जो है इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है, कुछ हमको लगता है 25 या 30 कॉलेज जो है, क्योंकि पहले 15 कॉलेज थे तो 25 से 30 कॉलेज उस समय ओपन हो गए थे 2018 में, तो लगभग 1000 सीट हम उसका मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2019 का हम आपको दिखाते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा 2019 का डाटा, ये रहा 2019 का, ठीक है, आप देखिए यहाँ 2019 का देखिएगा, ग्रेड ए नर्सिंग, और ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, PMCH, NMCH, DMCH, SKMCH, देख लीजिए ये टोटल सीट जो है आपका 668 ही है 2019 में भी सरकारी कॉलेज, ठीक है, सरकारी कॉलेज का सीट लगभग हमको लगता है कि 2020 तक नहीं बढ़ा है। ये आपका प्राइवेट कॉलेज 2019 का 668 है। अब आगे चलिए, ये आपका 2019 का प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है, ठीक है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे कितने सीटें हैं, 1193 2019 का, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज का टिकट, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं 20 वाला, 20 का हम चलेंगे, ये देखिए ये 20 का प्राइवेट कॉलेज है, गैर सरकारी संस्थान 2020 का, जिसमें से आप देखिए टोटल 64 कॉलेज था, ये 64 कॉलेज है, ये हमने 52 कॉलेज तक का ही दिया था क्योंकि बाद में कुछ का एफिलेशन मिला था, ठीक है, एडमिशन से पहले ही कुछ कॉलेज का एफिलेशन मिला था जिसमें से 730 सीट बढ़ा था, तो ये लगभग 2368 हो गया था, ठीक है, 2020 का प्राइवेट कॉलेज। अब आगे देखिए ये 2020 का सरकारी कॉलेज है, सरकारी संस्थान है, देखिए यहाँ पे GNM, सारे GNM स्कूल हैं, GNM ट्रेनिंग स्कूल है, जो कि अभी लगभग जो सीट है वो 758 सीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कितने सीटें हैं, 758 सीटें हैं 2020 में, ठीक है। अब 2021 का हम आपको डाटा दिखाते हैं, 2021 का कहाँ चला गया, देखिए 2021 में क्या था, जो गवर्नमेंट जो सीट था 758 वो सेम था, ठीक है, और प्राइवेट जो सीट था प्राइवेट कॉलेज का वो 3562 हो गया था, ठीक है, सीट क्योंकि कॉलेज भी बढ़ रहे थे उस समय। उसके बाद 2022 आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं वहाँ, 2022 में जो टोटल कॉलेज था वो देखिए 69 कॉलेज ओपन हो गया था 2022 में, ठीक है, और टोटल सीट जो है इसका लगभग हो गया था, अब देखिए 3812, ठीक है, 2022 का, 2022 का आप देखिए निजी संस्थान का हमने दिखा दिया था, अब 2022 का देखिए सरकारी सरकारी संस्थान, इसमें देखिए कितने सीटें हैं, 1538 सीट हो गया था 2022 में, अभी 2023 का नहीं आया है,
ठीक है। आप देखिए 2022 में कोरोना के बाद जो है बहुत से JNM स्कूल का उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो वो सारे सीट जो है 1538 हो गया था। और आपको बता दें कि 2022 में ये जो सीटें आप देख रहे हैं ना 2022 का, ठीक है, अरे देखिए तो ये यहाँ पे ये जो आप 1906 देख रहे हैं ये सिर्फ सरकारी कोटा का है जो कि DCEC के माध्यम से एडमिशन होता है। इसका आप डबल मान लीजिए क्योंकि कॉलेज वाले जो हैं डायरेक्ट एडमिशन भी लेता है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 3812 सीट। अब हम ले चलते हैं आपको ये एनालिसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ठीक है। 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22, ठीक है। अगर वैकेंसी मान लेते हैं 2025 में आती है तो हमें लगता है कि 2022 वाले स्टूडेंट भी लगभग पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं भी हुए तो 21 से 24 वाले तो ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो है 2016 में 668 सीट था, 2017 में 728 सीट था क्योंकि इसमें IGMS का 60 वो सीट ऐड है, ठीक है। 2018 में 668 सीट ही था, 2019 में 668 सीट, 2020 में 758, 2021 में जो है 758 और 2022 में 1538 सीट हो गया, ठीक है। ये सरकारी का डाटा है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का डाटा है जो कि आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए ये प्राइवेट कॉलेज हम देखते हैं। प्राइवेट कॉलेज देखिए 2016 में मात्र 15 था, 2017 में भी 15 था, 2018 में 30 हो गया बढ़ के, 2019 में 45 हो गया बढ़ के, 2020 में 52 हो गया बढ़ के, 2022 में 64 हो गया 2021 में, और 2022 में 69 कॉलेज हो गए। अब देखिए किस स्पीड से कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज बिहार में खुला था। अब इसका सीट की बात करें तो अब देखिए 600 और 2018 में 1000 समथिंग था, ठीक है। ये सियोर डाटा नहीं है मेरे पास क्योंकि 2018 का हमने बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो एक लमसम हम मान के चलें 17 और 16 में जो डाटा था उससे कुछ ज़्यादा हमने कर दिया था प्राइवेट का, ठीक है। 2019 में देखिए इसका डाटा तो मिल गया था हमें DCEC पे, तो 1193 सीट जिसमें से 45 कॉलेज था। 2020 में अब 52 कॉलेज का देख लीजिए, 3068 कॉलेज, ठीक है। 2021 में 3562 कॉलेज जो कि 64 कॉलेज टोटल था उसमें से आया। 2022 में जो है 69 कॉलेज से लगभग 3812 सीटें हो गया था बढ़ के, ठीक है। अब बात है कि 2025 चुनाव से पहले हमको लग रहा है कि 21 से 24 तक वाले बैच शायद पास आउट हो जाएं, ठीक है। तो आप टोटल जो नंबर आप यहां देख रहे हैं ये सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिला करके है, ठीक है। 2016 में 1268, 17 में 1328, 18 में 1668, 2019 में 1861, 2020 में 3826 और 2021 में 4320 और 2022 में 5350, ठीक है। तो 21 वाले 24 में पास आउट होंगे और 22 वाले 25 में पास आउट होंगे। अब यहाँ पे देखिए हम टोटल हमने नंबर एक किया है, आप देखिएगा 2016 से लेके 2019 तक अगर जो होता है तो टोटल स्टूडेंट जो अभी करंट में है वो 6125 है। ये सिर्फ हम बिहार के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो बिहार के कॉलेज हैं सरकारी और प्राइवेट, हम अदर स्टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 2020 के कैंडिडेट यानी 23 में पास आउट होने वाले को जोड़ेंगे तो ये संख्या जो बढ़ के 9951 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 24 में पास आउट हमारे जो 21-24 वाले बैच हैं अगर जो वो जुड़ जाएगा तो ये लगभग संख्या जो है 14271 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट हम 2022 तक का काउंट करें जो 25 में पास आउट होंगे, ठीक है, तो वो लगभग 19621 है टोटल 2025 तक पास आउट होने वाले, ठीक है। बाकी जो अभी 23 से 26 वाला चलेगा तो उसका हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि 25 एक लास्ट हम लोग का एस्टिमेटेड टाइम है, शायद वैकेंसी आ जाए, ठीक है, नियमावली बन रहा है। अब ये नंबर्स हम देख रहे हैं 19621 का, ठीक है। ये सिर्फ बिहार के प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज से है जिसमें से बहुत लोग क्रेडिट
कार्ड से जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पढ़ने वाले इसमें ऑलमोस्ट सभी छात्र वही हैं जो लोन लेके पढ़ रहे हैं। नौकरी तो उन्हें देनी ही चाहिए और देनी ही पड़ेगी सरकार को, है ना। अब हम बात करें अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट का। देखिए एक नंबर में हमें लिया है अदर स्टेट्स स्टूडेंट बिहार डोमिसाइल वाले, जो बिहार के रहने वाले हैं बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं एमपी यूपी, ठीक है। इसका संख्या अगर हम ईयर वाइज बात करें तो 2022 जो 19-22 वाले बैच हैं उसमें लगभग होंगे 5000 से लेके 7000 तक होंगे शायद। हम ये कंफर्म फिगर नहीं है मेरा, और आपको अगर जो फिगर पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2019 से 22 तक का है। उसके बाद 20 की बात करें तो ये संख्या हमको लगता है कम से कम 10000 प्लस है। 20 में बहुत ज़्यादा रस हो गया था, ठीक है, एडमिशन में, एमपी में भी बहुत ज़्यादा। एमपी के बाद कर्नाटका है, झारखंड है, यूपी है, पंजाब है, सब जगह लड़के एडमिशन के लिए पहुंच गए हैं, ठीक है। 20 के बाद अगर जो 20 वैकेंसी अगर जो 24 में नहीं आके 25 में आती है तो ऑलमोस्ट जो टोटल नंबर्स की बात करें सिर्फ बिहार कैंडिडेट का जो रिजर्वेशन ले सकते हैं वो लगभग 40000 प्लस हो जाएगा। और देखिए बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जो जनरल में आएंगे, जो कि ऑलरेडी बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा के वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उसका भी संख्या आप सोच सकते हैं कितना होगा। क्योंकि जो NHM का जो आया था, ठीक है, जो NHM का बहाली आया था 4200 का, NHM हम इसीलिए कह रहे हैं स्टाफ नर्स का क्योंकि उसी को सिर्फ ग्रेड मार्क मिलेगा एक साल का 5 नंबर। बाकी जो CHO में काम कर रहे हैं CHO को 5 नंबर का नहीं मिलता है ग्रेस, ठीक है। सिर्फ NHM जो स्टाफ नर्स में काम करेंगे उसी को ग्रेस मिलता है, CHO को ग्रेस नहीं मिलता। तो 4200 वाले वैकेंसी में लगभग हमको लगता है कि 1800 कैंडिडेट जो है ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर ही रहेंगे। अब बाकी CHO जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो हमको पता है कि जो परमानेंट वैकेंसी आएगा बिहार में तो वो CHO छोड़ देंगे और ये स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो सब मिला के अगर हम बात करें तो 2025 अगर जो वैकेंसी आया तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 50000 समथिंग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको जो लगे ज़रूर बताइएगा। अगर जो 2024 तक आता है तो ये संख्या 35 से 40 तक हो सकता है सब मिला के, ऑल जो रजिस्ट्रेशन तब तक में हो चुका होगा बिहार में, ठीक है। तो ये फिगर्स सही हैं, भले हम आपको एक्सप्लेन सही से ना कर पाएँ, ठीक है। बाकी ये फिगर्स जो है हमने काफ़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, हम ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।